सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। गौसपाक की चौखट पर एक ऐसे शख्स को गौसपाक ने बिठाया बजाई जो कोई बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे। आमतौर पर ऐसे ही होता है कि छोटे मोटे काम उनको सौंपा जाता है, हम जैसे लोगों को कि भाई चले कुछ पढ़े लिखे नहीं है तो कुछ आप ही कर दें, ऐसा होता है ना, ये आप कर ले वो आप कर ले। तो गौसपाक की चौखट पर एक ऐसा शख्स जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, सीधी सादी बोली भाली तबीयत का आदमी था, गौसपाक ने कहा बेटे मेरी खानकाह में जो लोग आते हैं तुमने उनको लोटे में भर करके पानी देना है, बस लोटे में भर के पानी दिया करो, लोग वुजू कर लिया करें, जरूरत पूरी कर लिया करें, इतना काम तुमने करना है। इस तरह करते करते गौसपाक की चौखट पे बैठे हुए उस शख्स को 40 साल बीते। कितने साल बीते? 40 साल बीते। तवज्जो करना, आपकी आज की महफिल से मुतालिक खास ये बात है, अल्लाह करे यकीन अपना पुख्ता हो। देखो बिन यकीन के कुछ नहीं मिलता, क्योंकि मुझे आज से पहले कई लोगों ने कहा कि हुजूर शरीफ फूल और तोशे शरीफ की नियाज जितने लोग ले गए अल्लाह ताला ने सबको औलाद से नवाजा। अब तो लोग बाहर से भी जय वो के हमारे लिए हमारे लिए, हमने यही कहा भाई देखो कोई नई चीज नहीं है, यही है सब, बस यकीन से खाने की जरूरत है, यकीन चाहिए। मैं तो ये कहता हूं यकीन हो तो खाने की भी जरूरत नहीं है, यकीन हो खाने नाम काफी है, नाम काफी है, वल्ला यकीन हो तो फिर नाम की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ख्याल काफी है। ये उनकी शान की बात, उनको लोग जानते क्या है? गौसपाक खुद कहते हैं मुझे कोई नहीं जानता, और फरमाया कि मुझे किसी के बराबर मत समझा करो, किसी को मेरे बराबर मत समझा करो, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया आलमो माला तालमून, मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। तो फरमाया वो अब्दुल कादिर तो है जिसको अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। गौसपाक फरमाते इंसानों के भी पीर हैं, सब इंसानों के पीर है ना, पीर फरमाते उनके पीरों का नाम अब्दुल कादिर जिलानी, इंसानों के पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्नात के भी पीर हैं, जिन्नात के भी पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी, फरिश्तों के भी पीर हैं, फरिश्तों के भी पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी। कोई है ऐसा लाओ जो फरिश्तों के भी पीरों का पीर हो? ये है गौसपाक की शान। इसको शेख मुहक्किक ने भी लिखा है, इमाम अहले सुन्नत ने भी लिखा, बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों ने इसको लिखा है, ये शान है गौसपाक। तो वो जो साहब थे वो वुजू का पानी लोटे में भर कर लोगों को जरूरत के लिए देते थे। 40 साल बीते, अब खादिम थे, खिदमत करते थे, इस बुनियाद पर गौसपाक की महफिल में सोहबत में ज्यादा रहने का वक्त नहीं मिलता था। और गौसपाक की महफिल में आते कौन थे? बड़े बड़े अगवास, अब्दाल, कुतुब, ये सब आते थे। अब बल्कि वहां तो हाल ये था कि अगर चोर भी चला आता तो वो भी चोर बनकर जाता नहीं था, आता था चोर कुतुब बनकर जाता था, चोर आए कुतुब बनकर जाए। ये शान है मुर्शिद गौसपाक की। तो बड़े बड़े लोग दूर दूर से आए मिलने के लिए, वो पानी देते रहे। एक दिन दो बंदे आए, उन दो बंदों पे नजर पड़ी तो उन्हीं पर दिल आ गया, और जब उन पर दिल आया तो उस शख्स ने कहा कि साहिबो मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं यहाँ अब नहीं रहना चाहता, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे भी ले चलो, कुछ मंजिलें मुझे भी तो चाहिए, यहाँ बिठा रखा है, मुलाकातें कम होती है, नजर भी कम पड़ती है, हालांकि जिसका फरमान नजर तो इला बिलादिल्लाही जमा, कि मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे तुम हथेली पे राई का दाना देखते हो, फिर वहां आंखों से देखने का क्या मामला, फिर वहां तो नजर में ही है ना, फिर तो नजर में, वहां तो नजर ही के अंदर है, वल्लाह उनकी नजर में ना होते तो औरों की नजर तो अब तक खात्मा कर चुकी होती, ये उनकी नजर की बरकत है कि औरों की नजर पड़ने नहीं देते, ये हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर की शान है। बहरहाल उन्होंने कहा साहिबो मुझे भी अपने साथ ले चलो, वो दोनों थे अब्दालों में, वो भी दोनों अब्दालों में से थे, मुर्शिदी गौसपाक को मिलने आए थे। जब इन्होंने कहा, और अब्दाल लोग बड़े सीधे साधे भोले भाले होते हैं, वो किसी को ना
नहीं कहते। मेरे आका फरमाते हैं वो भूखे रहते हैं, खाते नहीं है, जल्दी से नहीं खाते। वो उनसे कोई झगड़ा करता है तो वो लोगों से लड़ते नहीं है, उनको कोई मार दे तो वो माफ कर देते हैं, वो किसी के लिए दिल में कीना नहीं रखते। उनकी शान ये होती है कि वो ज्यादा नफिल नमाज रोजे पर तवज्जो नहीं देते, बल्कि उनकी तवज्जो दिल की सफाई पे होती है। उनके दिल में किसी के लिए बुग्ज नहीं, कीना नहीं, अदावत नहीं, खुद भूखे रह के दूसरों को खिलाते हैं, लोग उन पर जुल्म उठाते हैं, वो लोगों के लिए करम की दुआएं करते हैं, अब्दालों की पहचान है। और वो लोग भूखे प्यासे ज्यादा रहते हैं, लेकिन उन पर दिल आ गया तो इन्होंने कहा चलिए मैं भी चलता हूँ। उन्होंने कहा चले ठीक है चलते हैं, चले। थोड़ी दूर चले थे जो नाजो नम में पलता है, फिर उसके तो नखरे कुछ और होते हैं। कुछ दूर चले, कहा हजरात मुझे तो भूख लग गई, इसलिए कि मैं जहां से आ रहा हूं वहां खाने पीने और दस्तरखान बड़े वसी थे, क्योंकि गौस पाक का लंगर ऐसा शानदार चलता था, आज भी चलता है, आज भी चलता है, उस दौर में गौस पाक की जाहिरी हयात में भी चलता था। और गौस पाक कहते हैं मुझे खाना खिलाने से बड़ी कोई नेकी नजर ही नहीं आई नेकी के दफ्तर में। फरमाया काश मेरा अल्लाह मुझे नवाजता तो मैं पूरी दुनिया को खाना खिलाता। मुर्शिद गौस पाक ने कह क्या दिया, अल्लाह ने जबान क्या पूरी की। मुर्शिद आप कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया को खिलाता, आपको कब्र में सोने के लिए 900 साल हो गए, पूरी दुनिया में कादरी गुलाम 11वीं के नाम पर हर रोज दुनिया को हर रोज दुनिया को खिला रहे हैं। जबान आपकी कुदरत ने पूरी कैसे की, अल्लाह हू अकबर। ये मुर्शिदी गौस पाक तो कहा वहां बड़े नाज़ो नमते भाई मैं तो भूखा हूं। उन अब्दालों ने कहा हजरत हम खाने पीने वाले लोग नहीं हैं, हम 24 घंटे में एक बार खाते हैं, और वो भी पका कर नहीं खाते, खरीद कर नहीं खाते, अल्लाह देता है तो ही खाते, वरना हम ऐसे नहीं खाते। आप वापस जाए, आप हमारे साथ रहने के काबिल नहीं हो। आप नहीं नहीं आ गए तो अब चलना ही पड़ेगा। काफी 24 घंटे में एक बार, 24 घंटे हुए भूख से हालत खराब, मुफ्त पाला था कभी काम की आदत न हुई, हैं आज ये हाल हो गया तो भूख से निढाल, भूख तकलीफ थकन सब कुछ 24 घंटे बीते। का हजरात रहम करो, मर ना जाए, खाने का इंतजाम करो। एक बदल ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत नमाज पढ़ी, दुआ की, 3 कटोरे सालन, 3 रोटी आसमान से नीचे उतरी। हाँ, ये अहले हवस के लिए नहीं। आप कहेंगे दलील क्या, दलील तो अहले सुन्नत की किताबों में है, लेकिन मैं इसको बुखारी मुस्लिम से पेश नहीं कर सकता, इसलिए कि ये बात बुखारी मुस्लिम के बहुत बाद में है। तो जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई अगर जो है वो गौस पाक रदी अल्लाह ने मुर्दा जिंदा किया तो बुखारी में कहा है, तो जाहिर सी बात है बुखारी के लिख जाने के 300 साल के बाद पैदा हुए, तो फिर उसने बुखारी में कहाँ आना है। तो ये भी एक अजीब सी बात लोग करते हैं, लेकिन लोगों को इतना पता होना चाहिए कि बुखारी से पहले तो कुरान में मौजूद है कि वली ने मुर्दा जिंदा किया है, वरना सूरह यासीन किस चीज़ का नाम है। सूरह यासीन के अंदर मौजूद है सादिक सदूक और शमून का जो वाकया है, ये उसी के अंदर मौजूद है कि वलियों ने मुर्दा जिंदा किया है। और उसका मामला ये है कि जब वो मुर्दा जिंदा कर रहे थे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पे कह रहे थे मौला मेरी उम्मत का वली दुआ कर रहा है, लाज रखना तेरा काम है। सिफारिश कौन कर रहा था, ईसा अलैहिस्सलाम, कि मेरा वली दुआ कर रहा है, लाज रखना तेरा काम है, क्योंकि वो मेरे दीन का मुहाफिज बनकर खड़ा है। तो अब क्या हमें कुरान से ये सबक नहीं मिलता कि अगर सूरह यासीन ये बता रहा है कि उम्मत ईसा दुआ करे उम्मत ईसा का वली, तो फिर सिफारिश के लिए हजरत ईसा खड़े रहते हैं कि मेरे दीन की हक्कानियत का सवाल है, तूने मुर्दा जिंदा करना है अगर उसने कह दिया तो। और जब गौसे पाक कहते होंगे कुम बिस्मिल्लाह, तो मुस्तफा जाने रहमत कहते होंगे मेरा अब्दुल कादिर खड़ा है मौला, अब लाज तेरे हाथ। अब मामला सिर्फ दीन का ही नहीं, दीन का भी है, मुहय्युद्दीन का भी है। तो सिफारिश से ईसा से जब ये काम होता है तो सिफारिश से मुस्तफा से भी होता है, ये सूरह यासीन कह रही है। अखस करने की बात होती है, लेकिन उनको ये बातें कहां से मिले जिनको बाबे मदीनतुल इल्म से फैज ही ना मिले, जिनके कनेक्शन कटे हों, उनके घर में भी बिजलियां रोशन होती हैं। कनेक्शन हो ना तो बिजलियां रोशन होती, वरना जो चोरी की बिजलियां लेकर आकड़ी डालकर चलाते हैं वो तो थोड़ी देर के लिए रोशन कर देते, लेकिन जब आते हैं वो पावर हाउस वाले तो फिर घर में अंधेरा करना पड़ता। नहीं, हमारे यहाँ कुछ नहीं है, ऐसा ही है। इधर उधर की सुन के इल्मी बात करना और बात है, कनेक्शन के साथ करना ये अहले सुन्नत का नसीबा है।
इसलिए कि वहां से कनेक्शन जुड़ा होना ये लीगली है और इस शान का है। एक एक नाम हम बता सकते हैं कि कहां से कहां कहां से कहां कहां से हमारे यहाँ शजरा इसी को तो कहते हैं, हमारे शजरा इसी को कहते हैं, ये कनेक्शन है। बहरहाल तो उन्होंने दुआ की बदल साहब ने और तीन कटोरे सालन और तीन रोटियां तीनों ने एक एक बांट दी। फिर खा पी लिए, सैर हो गई तबीयत, दुनिया का खाना नहीं था, खाना कहीं और से आता, बड़ा मजा आया। फिर 24 घंटे गुजरे तो फिर भूख लगी, फिर उस साहब ने कहा साहेबो रहम करो अब 24 घंटे हो गए। उन्होंने दूसरे बदल साहब ने फिर मुसल्ला बिछाया, फिर दुआ की, फिर तीन कटोरे तीन रोटियां, दूसरा 24 घंटा गुजरा, तीसरा 24 घंटा आया, कहा रहम करो भाई फिर भूख लग गई है, भूख बहुत लग रही है। तो कहा कि देखो हम लोगों का ये दस्तूर है कि जितने लोग साथ होते हैं दुआ उतने लोगों से कराई जाती है। कल मैंने की थी, आज गुज़िश्ता कल इन्होंने की और अब बारी आपकी है। कहा भाई मैं सीधा साधा सिंपल सा आदमी हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, आप एक काम करें कि आप लोग ही कुछ करें, रोटी आएगी, मैं कुछ नहीं जानता। उन लोगों ने कहा या करो या मरो, दुआ करो, रोटी मंगाओ, खाना मंगाओ, वरना मरो, भूखे मरो, कोई बात नहीं हम चले। तो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता, जब जान पे बन आती। इन्होंने भी मुसल्ला बिछाया, दो रकत नमाज पढ़ी, अल्लाह मुझे कुछ नहीं आता, मैं सीधा साधा आदमी, बल्कि कभी रोटी मांगने की जरूरत पेश ही नहीं आई, मुर्शिद ने इतना खिलाया कि कभी मांगने की जरूरत पेश नहीं आई। मौला आज इस जंगलों सहरा में तेरा ये बंदा भूखा और ये दोनों हजरात जो हैं ये मुझे जोर दे रहे हैं, दुआ की अल्लाह लाज रख ले और खाना भेज दे। जिस दिन इन्होंने दुआ की उस दिन 6 कटोरे सालन और 6 रोटियां जमीन पर आई। मगर ए साहब आप तो कहते थे मैं सादा सिंपल आदमी, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, अपनी जबान में कहूं माले की मालेगांव की जबान में तो यूं कहा होगा ओ छुपे रुस्तम, आप तो कह रहे थे मुझे कुछ नहीं आता और ये हाल आपका। उन्होंने कहा वल्लाह मुझे कुछ नहीं आता और अब मैं आपके साथ रहना भी नहीं चाहता, लेकिन आप लोग ये बताएं कि ये रोजाना रोटियां आप लोग मंगाते कैसे। काज लेकिन आपका मामला हमारे समझ में नहीं आया कि आपके मांगने पर डबल कैसे आया, हमारे मांगने पर तो एक एक आता था, आपके मांगने पर डबल, कब वो सब हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले ये बताओ आप लोग कैसे मंगाते हो। ओके मैंने जैसे मंगाया वो तो मेरा दिल जानता है, लेकिन आप लोग कैसे मंगाते हो। उन्होंने कहा हजरत हम लोग अब्दाल है, अब्दाल वो जो 40 लोग होते हैं उनमें से हम दो है, अब्दाल है और हम कमाते नहीं है, हम लोग जो है वो खरीदते नहीं है, पकाते नहीं है, इसमें वक्त नहीं लगाते, हम अल्लाह की याद में रहते हैं, अल्लाह की याद में रहते हैं, लेकिन हम अब्दाल हैं, जब हमें भूख लगती है, जल्दी लगती नहीं लेकिन जब लगती है तब मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की बारगाह में यूं कहते हैं ए अल्लाह वो गौसे पाक की चौखट पर जो वुजू कराने के लिए लोटे वाला शख्स लोटे लेकर बैठता है उसी के सदके में हमारे लिए खाने का इंतजाम कर दे तो उसके सदके में खाने का इंतजाम हो जाता है। तो उन्होंने कहा मुझे पहचानते हो मैं कौन हूं, झूम कर दामन फाड़ दिया, कब पहचानते हो कौन हूं, कब नहीं पहचानते, कब वही तो लोटे वाला शख्स मैं हूं, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था मुर्शिद ने चौखट पे बिठा कर क्या मकाम अता कर दिया, लोटे भरवा कर कैसा मर्तबा अता कर दिया। कहते हैं कि जिसके वसीले से अब्दाल दुआ करते हो जब मुर्शिद ने इस काबिल बनाया उनकी चौखट छोड़कर जाना कोई अकलमंदी नहीं, तब मुझे पता चला जिसकी चौखट पर बैठकर लोटे में पानी भर के मेहमानों को देने वाले के वसीले से अब्दाल दुआ करके खाना मंगाते हैं, जब उस लोटे वाले बुजुर्ग की शान ये है तो फिर चौखट के अंदर रहने वाले गौसुल आजम दस्तगीर के वसीले की शान का आलम क्या होगा। इसीलिए फरमाते हैं जब दुआ करो मेरे वसीले से करो, जो मेरे वसीले से दुआ की जाती है अल्लाह कबूल फरमाता है।